तो ये तो वाकई में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसी हिसाब से हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोगों का महागठबंधन जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है बिहार की जनता के साथ खड़ा है और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है। तो यहाँ कोई इफ एंड बट का चांस ही नहीं है। सिर्फ हम चौके छक्के लगाएं और सामने से विकेट गिरता जाए ये बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से महागठबंधन या यूं कहें तो इंडिया गठबंधन में नाराजगी का सवाल है, तेजस्वी यादव ने क्रिकेटर होने के नाते क्रिकेट की भाषा में इस सवाल का जवाब दे दिया है। सीधे तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 67वें नेशनल स्कूल गेम्स के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछे गए कि क्या जिस तरह से आपने मैदान में चौके छक्के लगाए हैं क्या राजनीति में भी चौके छक्के लगाएंगे क्या, तेजस्वी यादव ने बड़े ही शानदार अंदाज में इसका जवाब दिया और सीधे तौर पर कहा कि हम सिर्फ चौके छक्के लगाएं और सामने से विकेट गिरता जाए ऐसे तो नहीं चलेगा, हम टीम पर भरोसा करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का कहना है कि हम अपनी ओर से प्रयास करें और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अलग होते जाएं तो ऐसे तो नहीं चलेगा, इंडिया गठबंधन को एकजुट होना होगा, महागठबंधन को एकजुट होना होगा। इस तौर पर क्रिकेट की भाषा में चौके छक्के की भाषा में जो है तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को एकजुट रहने की जो सलाह है वो दे दी है, क्योंकि सीधे तौर इंडिया गठबंधन का जो उद्देश्य है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ लड़ाई, और ऐसे में इंडिया गठबंधन में नाराजगी जो है वो सामने आती दिखाई दे रही है। तो सीधे तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसको लेकर एक सलाह दे दी है इंडिया गठबंधन के लोगों को कि हमें एक साथ होना होगा, हमें एक टीम के तौर पर काम करना होगा, तभी हम जो 2024 का वर्ल्ड कप महामुकाबला है वो इंडिया गठबंधन जीत पाएगी। क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले मैं आपको सुनाते हैं। जो है वो मालिक है ना, हम लोग जो जनता की जो इच्छा है जो आकांक्षाएं हैं जिस विश्वास के साथ हम लोगों को चुना है वो हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में पहली बार देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाने का काम किया। 2 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों को हम लोगों ने नौकरी दिया है, तो ये तो एक डिपार्टमेंट, तो ये तो वाकई में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसी हिसाब से हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोगों का महागठबंधन जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है बिहार की जनता के साथ खड़ा है और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है। तो यहाँ कोई इफ एंड बट का चांस ही नहीं है और खास तौर पे बीजेपी का तो कोई स्कोप ही नहीं है बिहार। छक्का लगेगा क्या राजनीति में भी, छक्का लगने वाला है क्या इसी तरीके से जैसे आपने क्रिकेट में अभी छक्का लगाया उसी तरह का राजनीति में भी छक्का लगाएंगे उसी तरह? नहीं, हम तो देखिए टीम में विश्वास करते हैं, एक आदमी छक्का लगाए उधर से विकेट गिरता जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती। हम लोग टीम में विश्वास करते हैं, टीम यूनिटी में विश्वास करते हैं, तो महागठबंधन यूनाइटेड है, मजबूती के साथ लड़ेगा, सबकी भूमिका होगी। साफ तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो इंडिया गठबंधन में नाराजगी चल रही है, जो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार नाराज है, ममता बनर्जी नाराज है, ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही, तो ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक सलाह जरूर दे दी है कि एक तरफ से चौका छक्का लगता रहे और एक तरफ से विकेट गिरता रहे तो ये नहीं चलेगा, टीम एज अ टीम काम करना होगा। यानी कि जो टीम है वो काम करेगी तभी जो वर्ल्ड कप है, जो महामुकाबला है 2024 का महामुकाबला है, इंडिया गठबंधन की जो टीम है वो तभी जीत सकती है जब हर कोई चौका छक्का लगाए, एक तरफ विकेट गिरता रहे और एक तरफ से चौका छक्का लगता रहे, तो ऐसे में जो महामुकाबला है वो कहीं ना कहीं जीतना इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की ने जो सलाह है वो तो दे दी, अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के सदस्य उसे मानते हैं या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार भी नाराज हैं और ममता बनर्जी की भी नाराज़गी सामने आ रही है। तो अब देखना है कि क्या तेजस्वी यादव सबको टीम के रूप में जोड़ पाते हैं या फिर तेजस्वी चौके छक्के लगाते रह जाते हैं और दूसरी ओर सारे विकेट गिर जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।